नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस का प्रमुख आधार पुलिस बल है, राज्य की छवि पुलिस व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने पुलिस बल में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी प्रकार की आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखें। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ रणनीति बनाई जाए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के नियंत्रण के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ काम करें। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था को लेकर बनाया गया प्रेजेंटेशन भी देखा। इस अवसर पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आज से 3 दिवसीय बालरंग समारोह शुरू हुआ। समारोह का शुभारंभ लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त जयश्री कियावत ने किया। समारोह के पहले दिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई। इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न संभागों के स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आयुक्त जयश्री कियावत ने कहा कि बालरंग के आयोजन ने मध्य प्रदेश को विशिष्ट पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि बालरंग बच्चों को सीखने सिखाने की गतिविधियों का महापर्व है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि देश की वैभवशाली सांस्कृतिक धरोहर नृत्य, गायन, वादन और अन्य कलाओं में विद्यार्थी बालरंग से प्रेरणा लेकर बड़े मंचों पर अपनी बेहतर प्रस्तुतियां देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार अशोक वर्णवाल मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बने रहेंगे। इसके अलावा वे लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव का दायित्व भी संभालेंगे। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी हरिरंजन राव को दी गई है। भोपाल संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत ने कहा है कि कुपोषण के खिलाफ जंग में सभी का सकारात्मक सहयोग जरूरी है। उन्होंने आज भोपाल संभाग में कुपोषण की स्थिति, लाडली लक्ष्मी योजना और मातृ वंदना योजना की स्थिति की समीक्षा बैठक ली। संभाग के प्रत्येक जिले की स्थिति की समीक्षा करते हुए कियावत ने कहा कि अति कुपोषित बच्चों को NRC केंद्रों पर भर्ती कराए जाने के लिए महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।